हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैंने आज बनाई हैं प्याज की पकौड़ियाँ। तो हमारा चाय नाश्ता हो गया है और अब मैं दोपहर से अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई हूँ और ये मैंने धुली उड़द की और चने की दाल मिक्स करके सुबह में भिगो दी थी। सुबह 9 बजे भिगोई थी, तो 2.5 घंटे हो गए हैं और अब मैं इसको पीसने जा रही हूँ। और इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर दूँगी थोड़े से। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, मिर्ची पाउडर, और इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च और जो पीली वाली राई आती है पतली वाली थोड़ी सी, वो ये देखिए मैंने ऐड कर दी है। और अब इसको पीस लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दाल पीस ली है और अब मैं इसकी बनाने जा रही हूँ पकौड़ियाँ। तो मैंने गैस ऑन कर दी है और तेल गर्म हो गया है। ये वही तेल है जो मैंने सुबह प्याज की पकौड़ी बनाई थी, तो उसी में मैं बना लेती हूँ इस तरह। तो ये मैंने चम्मच से इसमें डाल दी हैं इस तरह पकौड़ियाँ। और ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा पसंद रेसिपी है। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब्ज़ी, तो इसलिए आज मैं उनकी फेवरेट सब्ज़ी बना रही हूँ। क्योंकि कई बार होता है, अगर मेरी समझ में ना आए, मैं पूछती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, तो वो बोलते हैं कि यही वाली सब्ज़ी तुम बना लो। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और आजकल कुछ टेंशन में भी हैं, उनका माइंड कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ ही कोई ना कोई उनकी फेवरेट रेसिपी बना बना के मैं उनको खिला दूँ। तो आप लोग भी देखते रहिए, आप लोग को भी शायद ये रेसिपी पसंद आए। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ मैंने चावल छौंक दिए हैं, तो ये पकौड़ियाँ हमारी रेडी हो गई हैं बन करके। अब हम आगे का करते हैं। तो ये मैंने 4 चम्मच दाल इसमें निकाल ली थी और इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और इसमें मैंने डाल दिया है पानी। जैसे हम कढ़ी के लिए रेडी करते हैं घोल, उसी तरह से ये घोल तैयार करना है। बस इसमें मैंने बेसन और दही नहीं डाला है। तो ये देखिए, मैंने तेल गर्म हो गया है, उसमें डाल दिया तेज पत्ता, जीरा और हींग, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन कटा हुआ। इसको भून लूँगी मैं। और ये है हरी मिर्च और टमाटर कटा हुआ, इसको भी अच्छी तरह हम भून लेंगे तेल में। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कड़ी पत्ते, और ये है कस्तूरी मेथी, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अच्छी तरह से हम सब चीज़ों को भून लेंगे। और जो ये घोल हमने तैयार किया था, ये इसमें डाल देंगे और इसमें अभी 1 कटोरी पानी और डालेंगे। और कम से कम इसको 5 मिनट तक हमको पकाना है। मैं गैस को तेज कर दूंगी, तेज आंच पे ही इसको ऐसे चलाती रहूंगी बराबर, और इसको मैं पका लूंगी। बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है ये। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें पकौड़ी ऐड कर दूंगी और अब भी मैं इसको 5 मिनट तक और चलाऊंगी। तेज़ी आंच रहेगी और बस ऐसे हिला हिला के इसको बनाती रहूंगी। टोटल 10 मिनट में ये रेसिपी हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल कढ़ी बनके रेडी हो गई है और काफ़ी टेस्टी लग रही है देखने में। जी हाँ, ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर किसी ने ऐसी रेसिपी ना बनाई हो तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, हमारा दोपहर का खाना बनके रेडी हो गया है और अब मैं सबको सर्व करने जा रही हूँ। और मैंने आज रोटियाँ नहीं बनाई हैं, नमकीन चावल बनाए हैं मैंने, और ये मैंने कढ़ी बनाई है क्योंकि इसके साथ चावल ही अच्छे लगते हैं। तो मैं सबको खाना सर्व कर देती हूँ।
और ये देखिए फ्रेंड, शाम का टाइम है और ये लोग यहाँ पर लूडो खेल रहे हैं। और बेटी मेरी, जो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था, स्नेक पॉट रेडी किया है, जो ये खाली मटके रखे रहते हैं, तो पहले ब्लॉग में आपको दिखा चुकी हूँ। और आज ये दो और बना रही है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो पहली बार फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग के प्यार के द्वारा ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं और आगे तक जा सकूँ और आपको नई नई वीडियो व्लॉग्स बना के दिखा सकूँ। और अपनी लाइफ की कुछ और बातें हैं जो मैं ब्लॉग द्वारा ही आप लोग के साथ आगे चल के शेयर करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये सरसों रखी थी तो इसको मैं साफ़ कर लेती क्योंकि ये काफ़ी गंदी है, धोने के बावजूद भी गंदी रह गई है, इतनी तो फटकनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर एंड करते हैं वीडियो का यहीं पर। मिलते हैं फिर अपने अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।